दोनों संभालती हूँ। तो जब इसने जो बच्चे ने जो भी कुछ कहा है तो उसको दिखाना, ये क्या मतलब है? खप्पर पीऊंगी, ये पीऊंगी, वो पीऊंगी, विधवा हो जाएगी बच्ची है, और ऊपर से गोद में बच्चे हैं, उनका ही पिएगी और किसका पिएगी? तेरे अपने ही तो लाल खिलाए हुए हैं, अपने ही लाल का खून पीना है। वैसे ही तू बदनाम है भगवती। मेरी गद्दी पे अगर बोल गया ना तो छोड़ूंगी नहीं। तो और तरीके बहुत मार, तेरे सामने तो हम क्या है, कुछ भी नहीं, तू चाहे जैसे दिखा सकती है। खप्पर पीना, ये पीना, ये गलत है माई, तू भी जानती है, तेरे खिलाए हुए फूल है। बच्चे तेरे घर में कुछ हो जाएगा, कोई फायदा है नहीं इन चीजों का, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा, ये भी मुझे पता है। आज ही आई है, तू कल को आने से मना करेगा, वो तुम्हारी इच्छा बेटा जी। मेरे को आते हो तो कुछ दे के नहीं जाते। मैं तो मना करता नहीं बेटा जी, ऐसा है, तू कब, तुम लोग कब क्या करते हो मुझे पता होता है। क्या कहता है तू? मना नहीं करता। तूने मेरी गद्दी पे क्या बोला? तुझे आ गई ना तो तमाशा दिखा दूंगी। बेटा मजाक मत समझो, ये भद्रकाली है, वचन खाली नहीं जाते। और अगर चौकी नहीं लगानी तो मत लगाओ, पर कम से कम दुनिया को तमाशा मत दिखाओ। कटोरा हाथ में ला दूंगी, रोक के दिखा दे। कौन रोकेगा? कटोरा हाथ में ले ही आई थी भगवती, रोक के दिखा दे। ले ही आई थी कटोरा हाथ में, तो रोक ले। रोकेगा बाबू ऐसे? रोकेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, रोकता है तो रोक के देख। तू एक हफ्ता रोक, एक हफ्ता रोक, मैं लाके दिखाती हूँ तुझे। रोक ले बेटा, ऐसा है, अगर मैं बोलती नहीं तो क्या मुझे पता नहीं? मुझे सब पता है सबके घर में क्या चल रहा है, लेकिन बच्चे आगे अड़ जाते हैं। यही अड़ जाती है आगे, मेरा पति मेरे बच्चे, मेरा पति मेरे बच्चे। लेकिन अगर वो लेने जाएगी ना बच्चे, इसको भी ले जाएगी और तुमको भी ले जाएगी, और बैठे रह जाओगे फिर ऐसे ही। गद्दी ले ली, मां गद्दी ले ले, गद्दी ले ले, गद्दी ले ले, तेरे बस की नहीं थी ना, क्यों ली? कमाई का धंधा सोच रहे होंगे भगवती, कमाई मैंने होने नहीं दी। कमाने दूंगी क्या? शक्तियां नहीं रहती उनके पास जो कमाने की सोचते हैं। कमी किसी चीज की नहीं छोड़ती भाई भगवती, पर पैसा नहीं मांगना चाहिए। पैसा तो मांगा ही नहीं माई किसी से हमने आज तक। एक मिनट बेटा, वह तो तेरी लुगाई है, चल उसमें महाराजू हो रही है। इस समय तू सोच रहा हो कि वो बोल रही है, तूने नहीं बोला कि पैसा ले लियो? झूठ नहीं? नहीं मैंने नहीं बोला। नहीं बोला? झूठ नहीं। क्या बोला था तूने? ये अपने घर जानी थी तो तुझे कौन सा कुछ ले देगी वो जो जगाने जा रही है? माँ तो बोलेगी इधर जाओ जा, तो माँ क्या ऐसे ही बोलती है? मेरे वचन बोल के दिखा दे कोई। चल शांत हो जा माँ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूल होती है बच्चों से, तू तो माई है, ममता का नाम है तेरा, शांत हो जा, शांत हो जा भगवती, शांत हो जा। तू तो तसल्ली रखो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवती बहुत देगी बच्चे। गुरु माँ मैं पता क्या है? अच्छा सुन, मैंने आज तक नहीं बोला, एक मिनट, मैंने आज तक नहीं बोला तुझे, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों के घर के क्या माहौल है। सट्टे की तूने बोली? मैं आप खेलता ही नहीं, आपने मना कर दिया। सट्टे की तूने बोली? नंबर मांगने की भी बोली, सट्टे की सिद्धि की भी तूने बोली? मैंने तुझे जिक्र करा? नहीं। पर मुझे पता तो है ना, पर मैंने तो मुझे पता तो है ना, मुझे ये भी पता है जिस दिन गद्दी होती है तू इसको फोर्स करता है, जबकि उस दिन ब्रह्मचर्य रखने होते हैं, है ना पूनम? होता है ना, मुझे हर चीज का पता है, पर मैं नहीं बोलती क्योंकि पर्दे भी जरूरी है। तो ये मत सोचो मुझे कुछ पता नहीं, पता मुझे सब कुछ है, लेकिन मैं शांत हूँ इसलिए क्योंकि मेरी भगवती मुझे शांत करती है। आज मैं गुरु हूँ, कल को ये भी गुरु बनेगी। जिम्मेदारियां बहुत लेनी है बेटा, बचपन से नहीं होती। कल को इसके बच्चे आएंगे उसके सामने, तू इसकी ऐसे बेइज्जती करेगा, क्या गुरु की इज्जत रह जाएगी? कल को तू भी विनय बनेगा ना गुरु पिता, तू अपने तुम अपने ही बेफालतू के नौटंकी उनके सामने करोगे, कौन तुम्हारी इज्जत करेगा? सभ्य बनना सीखो, सभ्यता होगी ना तो सब कुछ होगा। आ जा बेटा, आ जा पूनम, आ जा।